आश्रम मिलना ही और सहानुभूति होती हम व्यक्त कर पाते हैं। व्यक्ति कोई आत्मा है जहाँ से चले गई है उसके आदित्य यहाँ उनके नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के डीआरडीए सभागार में कोरोना संक्रमण से मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से दिया गया। इस मौके पर आपको हम बता दें कि डीडीसी रोहतास, जिला आपदा पदाधिकारी, एसडीएम सासाराम, सिविल सर्जन रोहतास समेत तमाम बड़े पदाधिकारी की उपस्थिति में कुल 29 कोरोना संक्रमण के मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया गया। इस कार्यक्रम में आपको हम बता दें कि जिले के कई सीओ समेत तमाम बड़ा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और उक्त मौके पर क्या कहा डीडीसी रोहतास ने, आइए सुनते हैं। यह 29 व्यक्तियों को हम लोगों ने दिया है, टोटल 267 हमारा रिपोर्टेड है कि जो मृत्यु हुई है, अभी उसका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। तो और अभी जो 29 व्यक्ति जो सही पाए गए जिनका सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर थे, वो उसको हम लोग 29 व्यक्तियों को 4-4 लाख रुपये के राशि हम लोग दे दिया। मेरे को डमी चेक के माध्यम से हमने दिया, मगर इनके खाते में राशि चली गई है सब। अभी आपने सुना डीडीसी रोहतास सुरेंद्र प्रसाद को। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।